हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम लोग ड्रॉप कैप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ड्रॉप कैप ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जनरली ड्रॉप कैप का जो ऑप्शन होता है वो हम लोग न्यूज़पेपर अखबारों में देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 को ओपन करें। करने के बाद अपना जो टेक्स्ट है उसके स्टार्टिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वन यहाँ पे नीचे देखें, डॉक्यूमेंट पेज के अंदर मेरे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो ड्रॉप कैप के लिए सबसे जनरली हम लोग पैराग्राफ का जो पहला लाइन का पहला स्टार्टिंग का जो अक्षर है, लेटर है, उसके स्टार्टिंग में बिगनिंग में आपको कर्सर को लेकर आना है। जैसे ही आप देख सकते हैं कर्सर को मैंने रख दिया स्टार्टिंग पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन फर्स्ट लेटर के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में मैंने कर्सर को रखा है। यहाँ कर्सर ऑन ऑफ फोन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे टैब्स से अलग अलग, यहाँ पे फाइल टैब, फिर होम, फिर इंसर्ट, इंसर्ट टैब पे क्लिक करें। करने के बाद जैसे ही इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें अलग अलग ग्रुप्स आपको दिखाई देगा। नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेक्स्ट का जो ग्रुप है, यहाँ पे टेक्स्ट का जो ग्रुप है, यहाँ पे देखें ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप पे क्लिक करें। उसके बाद ड्रॉप का जो बटन उस पर क्लिक कर दें, नीचे आएगा नन ड्रॉप इन मार्जिन, ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर था वो देखिए ड्रॉप्ड हो गया, थ्री लाइंस वो फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह का स्टाइल, इस तरह लिखा हुआ टेक्स्ट हम लोग जनरली न्यूज़पेपर अखबारों में देखने को मिलता है। अगर आपको और भी ज़्यादा इसको ड्रॉप का आपको इंक्रीज़ करना, 4 या 5 लाइन, अभी 3 लाइन्स दिख रहा है, 3 लाइन ड्रॉप्ड हुआ है, पहला अक्षर लेटर ड्रॉप्ड हुआ है, अगेन आप उस पर क्लिक करें। उसके बाद अगेन आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, उसके बाद ड्रॉप टेक्स्ट का जो ग्रुप है यहाँ पे ड्रॉप कैप का जो बटन है इस पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे नन ड्रॉप इन मार्जिन, फिर ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएं, उसके बाद ड्रॉप कैप का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे देखें पोजीशन, पोजीशन में नन ड्रॉप इन मार्जिन, तो आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉप। करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन के नीचे देखें फॉन्ट लाइन टू ड्रॉप, यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। लाइन टू ड्रॉप अभी 3 है, यहाँ से आप इस बटन के ऊपर जो बटन दिया हुआ है आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैंने ले लिया 7। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहे तो इसे आप बढ़ा दिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें, तो ये देख सकते हैं जो पहला बिगनिंग पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर जो है आप देख सकते हैं ड्रॉप हो गया, 7 लाइन ड्रॉप हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन लाइन ड्रॉप्ड हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो पहला लेटर जो मेरा ड्रॉप ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करके मैंने 7 लाइन ड्रॉप किया। आप इसे हटा भी सकते हैं, अगेन आप उसे क्लिक करें, सेलेक्ट करने के बाद अगेन आप इंसर्ट टैब में जाएं, उसके बाद ड्रॉप नीचे आएंगे टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे नन नीचे देखें नन ड्रॉप नन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ड्रॉप कैप का जो आपने यूटिलाइज किया था वो ड्रॉप कैप हट जाएगा। तो इस तरह हम लोग ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।